Dear students, now I will teach you the ninth paragraph of the book Movements Supplementary Reader, first edition, the last time. The starting of the paragraph is, there was a no sign of him. There was a roundabout in full swing. मेले में एक झूला पूरे जोर पर था, पूरी रफ्तार से चल रहा था. Men, women and children carried away in a whirling motion. पुरुष स्त्रियाँ और बच्चे चक्करदार की कंडीशन में घूम रहे थे, झूल रहे थे. Shriek and cry with dizzy laughter. और ठहाकेदार हंसी से चीख चिल्ला रहे थे. Shriek माने चिल्ला रहे थे. Shriek and cry with dizzy laughter means ठहाकेदार हंसी से चीख चिल्ला रहे थे. The child watched them intently. बच्चा जो है उन्हें उत्सुकतापूर्वक देखा. इंटेंटली मीन्स एक्साइटेड, उत्सुकतापूर्वक, इगरली. एंड देन ही मेड ए बोल्ड रिक्वेस्ट. फिर उसने दृढ़तापूर्वक प्रार्थना की, विनय किया. आई वांट टू गो ऑन द राउंड अबाउट प्लीज फादर मदर. मेरे माता पिता, मैं भी झूले पे जो है घूमना चाहता हूँ, मुझे भी झूले पर बैठना है. देयर वाज नो रिप्लाई. कोई भी उत्तर नहीं मिला. ही टर्न्ड टू लुक एट हिज पेरेंट्स. वह अपने माता पिता को देखने के लिए मुड़ा. दे वेयर नॉट देयर. लेकिन वे वहाँ पे नहीं थे. एहेड ऑफ हिम, उसके आगे वहाँ पे वो नहीं थे. ही टर्न्ड टू लुक ऑन आइदर साइड. वो उन्हें तलाशने के लिए, देखने के लिए दोनों तरफ मुड़ा. दे वेयर नॉट देयर. वे वहाँ भी नहीं थे. ही लुक्ड बिहाइंड. वो पीछे देखा. देयर वाज नो साइन ऑफ देम. उनका कोई प्रतीक, कोई जरिया, कोई निशान नहीं मिला. हियर इन दिस पैराग्राफ वी सी दैट इन द फेयर द चाइल्ड वाज फैसिनेटेड towards the swing. Here, men, women and children were taking the joy of it. He at once proceeded towards them and requested to his parents. But he noticed that his parents were not there. He turned here, there and everywhere to see them, but he could not. There was no any sign of his parents. Now the 11th paragraph. Having run and talking. Having run to and fro in a rage of running for a while, he stood defeated. His cries. Now the 10th paragraph. A full deep cry rose within his dry throat. उसके सूखे गले से चिल्लाहट निकल पड़ी. And with a sudden jerk of his body, he ran from where he stood. वो डर से उस तरफ भाग खड़ा हुआ जहाँ पर सोचा था कि वो, जहाँ वो खड़ा हुआ था उस तरफ भागा. Crying in real fear, वो वास्तविक रूप से चिल्ला रहा था, मदर फादर. टीयर्स रोल्ड डाउन फ्रॉम हिज आईज. हार्ट एंड फियर. उसकी आँखों से गर्व और भयानक भयभीत जैसे आंसू बह रहे थे. हिज फ्लश्ड फेस वाज कन्वर्ट विद फियर. उसका भीगा हुआ चेहरा जो है वो भय से कांप रहा था. पैनिक स्ट्राइकिंग मीन्स डर से ग्रसित होके ही रैन टू वन साइड फर्स्ट
पहले एक तरफ दौड़ा, देन टू द अदर, फिर दूसरी तरफ, हिधर एंड थिधर इन ऑल डायरेक्शन, हर दिशाओं में दौड़ाओ, नोइंग नॉट हियर टू गो। वो ये नहीं समझ पाया कि भागते हुए कहाँ जाए। मदर फादर ही वेट, वो विलाप करते हुए अपने माता पिता को पुकारता रहा। इस येलो टर्बन किंग ऑन टाई, उसकी पीली पगड़ी जो थी वो दौड़ते दौड़ते बिल्कुल ढीली पड़ गई, एंड ही क्लास बिकेम मटी, और उसके कपड़े भी जो है धूल से सन गए। इस पैराग्राफ वी आर टोल्ड दैट नाउ द चाइल्ड फेल्ट वेरी डिसअपॉइंटेड, ही मोन्ड, ही साइड, एंड ही क्राई फॉर हिज पेरेंट्स होम ही हैड लास्ट इन द फेयर। Sometimes he turned this direction, sometimes in that direction, but he couldn't see his parents. His turban, yellow color of turban, loosed and his clothes became dirty. Now the same paragraph. Having run to and fro in a rage of running for a while, कुछ देर तक दौड़ने के आवेश में इधर उधर दौड़ लेने के पश्चात ही इसको डिफीटेड, मानो वह हार मान करके खड़ा हो गया। हिज क्राइज सप्रेस्ड इनटू सॉब्स, उसका रोना अब सिसकियों में बदल गया, वो सिसक कर रोने लगा। ए लिटिल डिस्टेंस ऑन द ग्रीन ग्रास ही कुड सी, थोड़ी दूर एक हरी भरी घास भी वो देख सकता था। थ्रू ही फिल्मी आई मीन्स, अपनी धुंधली आँखों से, धुंधली आँखें क्यों, किस क्योंकि उसकी आँखों में आंसू थे। क्या देख सकता था? मेन एंड वुमेन टॉकिंग, कुछ पुरुष लोग, कुछ महिलाएं उस घास पे खड़े हुए हैं और बात कर रहे हैं। ही ट्राइड टू लुक इंटेंटली एमंग द बंचेज ऑफ बींग येलो क्लॉथ, उसने उत्सुकतापूर्वक भड़कीले पीले कपड़ों के धब्बों में देखने की कोशिश की, पर देर वार नो साइन ऑफ हिज फादर एंड मदर इमंग दीज पीपल, लेकिन इन लोगों के बीच भी उसे उसके माता पिता जो है नहीं दिखाई पड़े। हू सीम्ड टू लाफ एंड टॉक जस्ट फॉर द सेक ऑफ लाफिंग एंड टॉकिंग, ये लोग जो थे ये बातचीत करते हुए हंस रहे थे और शायद हंसने के लिए ही इस तरह की बातें भी करते थे। Now the explanation in English. Here in this paragraph, we are told that after some time, when the child was completely tired, he stopped at a place and felt himself defeated. He saw some distance away on the green grass where men and women were talking. He tried to find out his parents there, but there was no any sign of his parents, only they were laughing and talking. Now the 12th paragraph. He ran quickly again, वो दोबारा तेजी से दौड़ा। This time to a shrine, इस बार दौड़ते दौड़ते एक मंदिर के पास आया। To his people seemed to be crowding, जहाँ पे लोगों की बहुत बड़ी भीड़। Every little inch of space here was congested with him. थोड़ी सी भी जगह यहाँ पर जो थी वो लोगों से भरी हुई थी, congested with men, लोगों से। But he ran through people's legs, वह लोगों के पैरों के मध्य से दौड़ा, इतनी भीड़ थी वहाँ। His little sob lingering, और उसकी हल्की सी सूखी अब भी बाकी थी। मदर फादर वो कहता रहा, माता पिता, नियर द एंट्रेंस टू द टेम्पल, मंदिर के प्रवेश द्वार के करीब में, द क्राउड बिकेम वेरी थिक, लोगों की भीड़ बहुत घनी हो गई, जिसमें मेन जोस्टल ईच अदर, आदमी लोग एक दूसरे को धक्का मुक्की दे रहे थे, हेवी मेन बहुत बड़े बड़े लोग थे, विथ फ्लैशिंग मर्डरस आईज, उनकी आंखें चमकती हुई और कत्ल करने वाले लोगों जैसी थी, एंड हिप्टी सोल्जर, उनके कंधे भी बहुत चौड़े थे।
possess. The poor child struggled to thrust his way. वो बेचारा लड़का जो है वो बेचारा लड़का मार्ग बनाने के लिए संघर्ष किया. द पुअर चाइल्ड स्ट्रगल्ड मीन्स बेचारा लड़का संघर्ष किया, परिश्रम किया. टू थ्रस्ट ए वे बिटवीन दियर फीट, उनके पैरों से निकलने का रास्ता बनाने का. नॉक टू एंड फ्रो, पैर से इधर उधर उसको धक्का लगा. बाय दियर ब्रूचुअल मूवमेंट, माने उनकी स्फूर्तापूर्वक गतिविधि से उसको धक्का लग गया. ही माइट हैव बीन ट्रैम्पल्ड अंडर फूट, ये लड़का इन लोगों के पैरों से कुचल दिया गया होता. हैड ही नॉट श्रिंक एट द हाईएस्ट पिच ऑफ हिज वॉइस, यदि वह अपनी आवाज़ को जो है ऊंचा न किया होता. कौन सी आवाज़? फादर मदर. अगर ये सब तेजी से न कहता तो पैरों के तले कुचल दिया जाता, क्योंकि उसकी आवाज़ को जो है किसी ने सुन लिया. ए मैन इन द सर्जिंग क्राउड हर्ड हिज क्राई, एक आदमी जो है उसकी चिल्लाहट को सुना. स्टूपिंग विथ ग्रेट डिफिकल्टी, अत्यधिक परेशानी से झुक कर लिफ्टेड हिम अप इन हिज आर, उसे अपनी गोद में उठा लिया. इन दिस पैराग्राफ वी आर टोल्ड दैट द चाइल्ड रैन एवरी हेयर. एट लास्ट ही रीच्ड नियर ए टेम्पल, हेयर देयर वॉज ग्रेट हेवी ग्रेट क्राउड ऑफ पीपुल. देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ पीपुल, सम वेयर वेरी हेवी, सम हैड वेरी हेवी सोल्जर्स, एंड दे वेयर जेस्टरिंग ईच अदर. ही ट्राइड टू पास थ्रू दियर वे, एंड ही वॉज क्राइंग फादर एंड मदर. ही माइट हैव बीन ट्रैम्पल्ड अंडर द फीट, बट ड्यू टू द वॉयस ऑफ हिज, ड्यू टू द वॉयस ऑफ फादर एंड मदर, ड्यू टू द कॉलिंग वॉयस ऑफ फादर एंड मदर, ही वॉज एनी वे सेफ. नाउ दैट आर